कि दोस्त हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। आप देखिएगा, आप जब अपना प्रोडक्ट किसी को देख के आते हैं, उन लोगों को रिजल्ट आता है कि नहीं आता? अरे जो बुढ़ा दादा बुढ़ी दादी 60 साल 70 साल की उम्र में घुटनों पे चल नहीं पाता, व्हील चेयर पे चलता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने और तो डॉक दिया होगा, इम्यूनोलॉजी डॉक दिया होगा, और दो दादी दादा आज अपने पैरों पे चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? लोग ये बोलते हैं कि आप पैसा कैसे कमा लेते हैं, मैं बताता हूं कि हम उन लोगों की दुआओं की वजह से पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये बात सच है कि जो काम दवाई नहीं कर सकती वो काम किसी की दुआ कर जाती है। जो चीज मेहनत से हासिल नहीं होती वो किसी के दिल से निकले हुए आशीर्वाद से हासिल हो जाती है। हम लोग ये काम करते हैं दोस्त। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम जिनके घर में 15 साल 20 साल से थी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको डायबिटीज से छुटकारा दिलाने का काम किया कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया मुझे बताइएगा। क्या इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो सकता है क्या? पैसा कौन नहीं कमाता? पैसा तो डॉक्टर भी कमाता है, वकील भी कमाता है, इंजीनियर भी कमाता है। कोई सच को झूठ करके कमाता है, कोई झूठ को सच करके कमाता है। लेकिन हम लोग सच्चाई के साथ काम करते हैं, क्या इस काम में प्राउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं और बताऊं क्या काम करते हैं हम लोग। आज हमारे प्रोडक्ट से जो लोग सुन नहीं पाते थे वो सुनने लग गए, जो लोग देख नहीं पाते थे वो देखने लग गए। और इससे भी बड़ी बात बताता हूं, ऐसे ऐसे दंपति जिनको शादी किए हुए 10 साल 12 साल 15 साल हो चुके थे और उनके घर में आज तक कोई किलकारी नहीं गूंजी थी, मुझे बताइए इस दुनिया का कौन ऐसा आदमी होगा जो पापा नहीं बनना चाहता, और कौन ऐसी महिला होगी जो मम्मी नहीं बनना चाहती? लगता आपको कोई होगा? लाखों रुपए प्लॉट बेच के, गहने बेच के उन लोगों ने इलाज कराया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया कि कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, जहां कुछ काम नहीं आया वहां असलीपियस वेलनेस का थंडर ब्लास्ट और गाइनोडोक काम आया। और आज उस घर में आपके हाथों से दिए हुए कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि आपके हाथों के दिए हुए प्रोडक्ट की वजह से लोगों के घरों में किलकारियां गूंजती हैं। ये शनो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बीच मीटिंग में खड़े होकर बोल देना कि आप गलत बोल रहे हो साहब। क्या आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके साथियों के द्वारा, आपके अपलाइन के द्वारा, आपके डाउनलाइन के द्वारा दिए हुए प्रोडक्ट से रिजल्ट आया कि नहीं आया मुझे बताइएगा? मेरे दोस्त, क्या ये छोटा काम है? जिस दंपति को 10 साल से बच्चे नहीं हुए, आपके हाथ से दिए हुए प्रोडक्ट की वजह से उसके घर में किलकारियां गूंज गई, आपने पैसे नहीं कमाए दोस्त, आपने किसी का वंश चलाने में मदद कर दी, और दुनिया में इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता दोस्त। आपको सबसे पहले, हम बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना, यह नहीं होना, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास और यकीन एक चीज पे करना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उस काम को करने में आपको प्राउड फील होता है कि नहीं होता? जो काम आज आप कर रहे हैं उस काम को करने में आपको खुशी का एहसास होता है कि नहीं होता? वो काम करने के लिए आपके दिल से आवाज आती है कि नहीं आती मुझे बताइएगा? दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। आज सुनील यादव जी ने यहां पे बताया कि मेरे पास साइकिल थी और आज किसका मालिक हूं। क्या बताया उन्होंने? अनुज सर ने एक प्लान दिखाया था। अनुज सर ने कितने पैसे कमाए इस बात का कोई मायना नहीं है दोस्त, मायना इस बात का रहेगा, ध्यान से समझना, मायना इस बात का रहेगा। और इससे पहले मैं एक लाइन बोलूं, बुरा मत मान, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने बोला बुरा मत मानना, मेरी बात को उल्टा मत ले जाना, जो जिन्होंने आज तक अपने पापा के लिए भी नहीं बोला होगा कि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बात थोड़ी गलत लग सकती है लेकिन सच्चाई है कि नहीं है? आज यहां स्टेज पे आके जब सुनील यादव जी ने बोला कि अनुज शर्मा जी ने मुझे पल पल पे संभाला, साइकिल से ओडी पे ला लिया, मेरे लिए भगवान है, आप सोचिएगा 1000 लोगों के सामने, 5000 लोगों के सामने कोई आदमी अगर आपकी तारीफ कर जाए ना, दुनिया में इससे बड़ा अचीवमेंट हो ही नहीं सकता दोस्त। और ये तारीफ पैसों से नहीं आती है, पैसे तो नौकरी में जहां आप करते हैं ना
वहां आपका बोस भी आपको सैलरी देता है, लेकिन इस दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने आज तक अपने बोस की तारीफ की होगी। आपका मालिक भी आपको सैलरी देता है, लेकिन किसी ने अपने मालिक की तारीफ की होगी तो बताओ मेरे को। लेकिन यहां पे निस्वार्थ भाव से मेहनत की जाती है, निस्वार्थ भाव से मदद की जाती है, और लोगों को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है। इसलिए यहां पे लोग आके बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। दोस्तों सोच के देखना, सोच के देखना, कल को कोई आदमी यहां आएगा और आपका ज्वाइन कराया वो आदमी होगा और वो आपका नाम लेके बोलेगा कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, आप कितना प्राउड फील करेंगे अपनी जिंदगी में, बस सोच के देखना आप एक बार। हम लोग दोस्त यही काम करते हैं, हम लोग यही काम करते हैं।